स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंजाई के सेकंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, डेट इज एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटीज। जैसे जाइगोमाइकोटा जो है उसे जाइगोमाइसिटीज कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह एस्कोमाइकोटा को एस्कोमाइसिटीज भी कहा जाता है। अब ये जो ग्रुप है फंजाई का, एस्कोमाइकोटा, इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सैक फंजाई। क्योंकि ये जो फंजाई हैं, जब हम इनका लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं तो लाइफ साइकिल में हमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एस्कोमाइकोटा, इस ग्रुप में पाए जाने वाले जो फंजाई हैं इनको हम सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं। पहले हम इस ग्रुप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि एस्कोमाइकोटा जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। ये इसकी बड़ी अहम बात है कि फंजाई जो हैं उनके टोटल चार ग्रुप्स हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा। इसमें सबसे जो बड़ा ग्रुप है फंजाई का वो एस्कोमाइकोटा है। अब ये बड़ा कैसे है, उसकी वजह ये है कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फंजाई मौजूद हैं, तकरीबन 60,000 फंजाई की स्पीशीज़ मौजूद है और टोटल अभी तक 1,00,000 स्पीशीज़ फंजाई की स्टडी हो चुकी हैं, जिसमें से 60% 60,000 जो फंजाई हैं उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ इसी ग्रुप में मौजूद है, जिसकी वजह से ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई भी कहलाता है। अब इस ग्रुप में ये जो 60,000 फंजाई मौजूद हैं, इनमें से 50% फंजाई ऐसे हैं, मतलब 30,000 फंजाई ऐसे हैं जो लाइकन्स की सूरत में पाए जाते हैं, लाइकन्स की सूरत में, जबकि इतने ही फंजाई, बाकी जो 50% फंजाई हैं वो या तो माइकोराइजा की सूरत में या मॉरल्स की सूरत, मॉरल्स भी सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम मॉरल्स कहते हैं। तो एस्कोमाइकोटा जो है ये एक लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें 60,000 फंजाई मौजूद हैं, जिनमें से 50% जो हैं वो लाइकन्स की सूरत में पाए जाते हैं और बाकी 50% जो हैं या तो माइकोराइजा की सूरत में पाए जाते हैं या फिर मॉरल्स की सूरत में अवेलेबल होते हैं। दूसरा, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करते चलें तो एस्कोमाइकोटा में पाए जाने वाले जो फंजाई हैं ये ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और ये वाटर में, मैरीन और फ्रेश दोनों में, मतलब कि ये लैंड पर भी पाए जाते हैं, ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और ये पानी में भी मौजूद होते हैं। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ कि इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। इस ग्रुप में यूनिसेलुलर फंजाई से लेकर बड़े बड़े मल्टी सेलुलर फंजाई मौजूद हैं। यूनिसेलुलर में यीस्ट जो है वो इस फंजाई, इस किंगडम ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है। तो एक डाइवर्सिटी मौजूद है, जबकि बाकी जो ग्रुप्स हैं उनमें सिर्फ मल्टी सेलुलर फंजाई पाए जाते हैं, जबकि इस ग्रुप में यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर फंजाई सारे जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। याद रहे स्टूडेंट्स के इस ग्रुप में जितने भी फंजाई पाए जाते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया फॉर्मेशन के ज़रिए होती, कोनिडिया के ज़रिए होती है। जितने भी फंजाई हैं इस ग्रुप में उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के ज़रिए होती है, जो कि हम ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज़, हाइफी जो हैं इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं उनके हाइफी जो हैं वो सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट हाइफी, और ये मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी होते हैं, मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की, कि इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं उनकी जो बॉडी है जिसे हम माइसीलियम भी कहते हैं वो मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी पर मुश्तमिल होती है। हाँ, जब उनमें सेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो आगे चल के मोनोकैरियोटिक जो बॉडी होती है वो आगे चल के डाइकैरियोटिक में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से बुक में मेंशन है लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़, के लाइफ साइकिल का ज़्यादातर मरहला डाइकैरियोटिक फेज़ में होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ फंजाई की बॉडी के बारे में,
फंजाई की जो एक्चुअल बॉडी होती है वो मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर एक जनरल लाइफ साइकिल, एक मल्टी सेलुलर, चूँकि हमने पढ़ा कि इस ग्रुप में यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई भी हैं, तो यहाँ पर एक मल्टी सेलुलर, जितने भी मल्टी सेलुलर फंजाई इस ग्रुप में मौजूद हैं, ये लाइफ साइकिल उन तमाम मल्टी सेलुलर फंजाई के सेक्शुअल लाइफ साइकिल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो लाइफ साइकिल का आगाज़ यहाँ से होता है, कहाँ से, पॉजिटिव और नेगेटिव फंजाई से होता है। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक नेगेटिव स्ट्रेन है, फंजाई की नस्ल है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव जो फंजाई है ये जब ग्रो करता है तो इसके हाइफी के ऊपर, जब इनका हाइफी ग्रो करता है तो एक ख़ास किस्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। जबकि जो पॉजिटिव टाइप का जो फंजाई है वो जब ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद वो भी अपनी हाइफी के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर एक ख़ास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहते हैं एस्कोगोनियम। तो अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो, जब हमने जाइगोमाइकोटा का लाइफ साइकिल पढ़ा था तो उसमें हमने कहीं पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े थे, जस्ट हमने ये पढ़ा था कि हाइफी क्लोज होते हैं और प्लाज्मोगैमी आगे प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पॉजिटिव और इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फंजाई जब ग्रो करते हैं तो उनके हाइफी के ऊपर ख़ास किस्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। ये भी होते तो हाइफी ही हैं लेकिन ये मॉडिफाइड किस्म के हाइफी होते हैं, मतलब कि ये हाइफी एक ख़ास सैक लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में होते हैं, इसीलिए इनको हम रिप्रोडक्टिव हाइफी भी कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जी एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम यहाँ पर इनके दरमियान जो है वो फ्यूजन होगी, तो यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड हाइफी हैं, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो जल्द ही इनमें क्या होगी, फ्यूजन होगी, जिसकी वजह से दोनों का साइटोप्लाज्म एक ही साइटोप्लाज्म में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, डैट इज़ प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ये पहला स्टेप है। तो सबसे पहले मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, दो हाइफी, पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी ग्रो करके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। इस एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जो है उनमें क्या होगी, फ्यूजन होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, जिसकी वजह से ये एक ही जो है साइटोप्लाज्म में तब्दील हो जाएंगे। अब यहां पर ये जो हाइफी बन रहा है, ये जो हाइफी बन रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है, डाइकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी, क्योंकि यहाँ पर इस सेल में दो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है, जबकि आप देख सकते हैं इनकी बॉडी सेप्टेट हाइफी पर मुश्तमिल है, ये एक एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर चूंकि साइटोप्लाज्म दो हाइफी का फ्यूज हुआ है तो यहाँ पर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी नहीं होगी, यहाँ पर केस नंबर टू जो है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद कैरियोगैमी नहीं होती, बल्कि प्लाज्मोगैमी के नतीजे में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी बन रहा है, ये क्या करेगा, ग्रो करेगा माइटोसिस के जरिए, और ये माइटोसिस के जरिए ग्रो करके ये एक सैक लाइक बॉडी बनाएगा, जिसको हम मॉरल भी कहते हैं, ये एक सैक लाइक बॉडी में तब्दील हो जाता। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ किसके जरिए होगी, माइटोसिस के जरिए, ये दूसरा स्टेप है। तो ग्रो करके एक फ्रूटिंग बॉडी, एक बॉडी सी बन रही है, एक सैक लाइक बॉडी, से हम मॉरल भी कहते हैं। अब इसमें जितने हाइफी हैं वो सारे डाइकैरियोटिक है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये डाइकैरियोटिक हाइफी, ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी आप देख रहे हैं, ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ग्रो करेंगे, डाइकैरियोटिक हाइफी माइटोसिस के जरिए ग्रो करेंगे, तो जाहिर सी बात है आगे भी जो हाइफी बनेंगे वो भी डाइकैरियोटिक होंगे। ये सारे ग्रो करके एक डाइकैरियोटिक हाइफी पर मबनी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। अब इस जब ये बॉडी बन जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो इसमें जो हाइफी होते हैं डाइकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी, जिसमें से आप इसमें से एक आप देख सकते हैं ये निकाल लिया गया है, एक हाइफी को बाहर निकाला गया है, एक हाइफी को हमने बाहर निकाल लिया, जो आप देख सकते हैं डाइकैरियोटिक है,
डाइकैरियोटिक हाइफी जो है वो बाहर निकला है। अब बॉडी बन चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, अब ग्रोथ के बाद क्या होगा, अब होगी कैरियोगेमी। तीसरा स्टेप क्या होगा, यहां पर होगी अब कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी में क्या होगा, दोनों हाइफी के जो न्यूक्लियस हैं ये ब्लैक और ब्लू, ये दोनों फ्यूज होंगे, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट। अच्छा यहां पर याद रहे कि ये जो हाइफी इसके अंदर मौजूद हैं उसमें सिर्फ टिप पर कैरियोगेमी होगी, टिप के नीचे वाले जो होंगे उनमें कैरियोगेमी नहीं होगी। तो ये जो एक टिप पर जो हाइफी होता है इसको हम कहते हैं एस्कस, एस्कस ज्यादा होंगे तो एस्काई। तो सिंपल ये कि जी प्लाज्मोगेमी, दो हाइफी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें प्लाज्मोगेमी होगी जिसके नतीजे में डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगा। यहाँ पर अब कैरियोगेमी नहीं होगी बल्कि ये डाइकैरियोटिक हाइफी अपने आप को ग्रो करके एक डाइकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल एक बॉडी बनाएगा। उस बॉडी, जब वो बॉडी मेच्योर हो जाएगी तो उस बॉडी में से हमने क्या किया, एक डाइकैरियोटिक हाइफी बाहर निकाल लिया। हर डाइकैरियोटिक हाइफी की जो टिप होती है उसको हम कहते हैं एस्कस, क्योंकि बहुत सारे डाइकैरियोटिक हाइफी मौजूद हैं तो सबकी टिप्स को हम कहेंगे एस्काई। तो हमने यहाँ से सिर्फ समझने के लिए हमने एक डाइकैरियोटिक हाइफी ले लिया। अब होता यह है कि जब ये बॉडी मेच्योर हो जाती है तो इस बॉडी जो कि मेच्योर हो चुकी है इसमें जो डाइकैरियोटिक हाइफी होती हैं उनके एस्कस में जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और आप जानते हैं कैरियोगेमी के फौरन बाद जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट बनता है ये क्या करता है, मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनाता है। ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। आप जाहिर सी बात है आप जानती हैं जब मियोसिस होती है तो एक सेल से चार सेल्स जो हैं हैप्लॉइड सेल्स जो हैं बनती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, स्पोर्स। लेकिन ये जो चार स्पोर्स एस्कस के अंदर बनते हैं ये इतने काफ़ी नहीं होते कि वो एस्कस जो है उसको रिलीज़ कर सके, क्योंकि एस्कस उसको तभी रिलीज़ करेगा जब एस्कस बस्ट होगा, फटेगा। तो स्पोर्स बहुत कम होते हैं, लिहाजा ये जो चार स्पोर्स बनते हैं हर स्पोर क्या करता है, माइटोसिस करता है, हर स्पोर माइटोसिस करता है। तो हर स्पोर, चार स्पोर्स हैं माइटोसिस करेंगे तो टोटल आठ स्पोर्स बनेंगे, इनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। चूंकि ये एस्कस के अंदर बन रहे इसलिए इनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और अब जारी सी बात है ये सारा जो प्रोसीजर है ये कहाँ पर हो रहा है, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जब ये एस्कोस्पोर्स बनेंगे, आठ एस्कोस्पोर्स, तो एस्कस जो है वो फट जाएगा, जिससे ये एस्कोस्पोर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ्रूटिंग बॉडी, क्योंकि ये हाइफी इसके अंदर मौजूद है तो ये एस्कोस्पोर्स यहाँ से जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये एस्कोस्पोर्स जिस जगह पर गिरेंगे वहाँ पर अगर कंडीशन सूटेबल होंगी तो ये स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो नए फंजाई बनाएंगे, जो कि ग्रो करके अगेन नया प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पर पहले प्लाज्मोगेमी हो रही है, लेकिन प्लाज्मोगेमी के बाद फौरन कैरियोगेमी नहीं हो रही, केस नंबर टू अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो प्लाज्मोगेमी के बाद माइटोसिस के जरिए स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या होगा, फिर कैरियोगेमी होगी जिसके नतीजे में जाइगोट बनेगा, जाइगोट मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनाएगा। बनते तो चार ही हैं लेकिन चूंकि एस्कस से बाहर रिलीज होना है तो उसके लिए स्पोर्स को मजबूरन माइटोसिस करना पड़ती है दोबारा, जिससे आठ एस्कोस्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जिन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं वो रिलीज होकर क्या बना देते हैं, नए फंजाई में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टी सेलुलर फंजाई जो इस ग्रुप में मौजूद हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा कोनिडिया फॉर्मेशन के जरिए होती है। तो इस ये जो लाइफ साइकिल है इसमें हमने अगर हम मल्टी सेलुलर फॉर्म में देखें तो ये एस्परजिलस का लाइफ साइकिल जो है वो आप कह सकते हैं। एस्परजिलस एक मल्टी सेलुलर फंजाई है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग करती है। यूनिसेलुलर में यीस्ट जो है वो बिलोंग करता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये काफ़ी हद तक एस्परजिलस का लाइफ साइकिल भी एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर है, अब ये जो यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी करती है, ये एस्कोस्पोर्स के जरिए भी होती है और समटाइम बसीडियोस्पोर, जो कि थर्ड ग्रुप जो कि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसके जरिए भी होती है। लिहाजा यीस्ट के बारे में यहाँ पर हम ऑथेंटिक प्रॉपर कोई लाइफ साइकिल जो है वो नहीं बना सकते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यीस्ट में आप जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए जो है वो होती है।